तो जय हिंद नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत है जी। तो इससे पहले आप सभी का 13.1 का जो है ना सारा क्वेश्चन खत्म कर देते हैं। आज हम लोग का शुरू होगा 13.1 का उदाहरण का सवाल, क्योंकि आपका बिहार बोर्ड में उदाहरण से सवाल आता भी है, ठीक है ना। तो उदाहरण आपका जो है 13.1 में उदाहरण आपका चार गो उदाहरण है, जिनमें से आज हम लोग देखने वाले इस वीडियो में दो उदाहरण, उदाहरण एक देखेंगे फिर उदाहरण दो देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और दूसरी बात क्या, यदि आप सभी डेली शाम 7 बजे टेलीग्राम पर जुड़ जाते हैं तो आप जो है ना अच्छा खासा डेली 20 क्वेश्चनों का टेस्ट दे सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चनों का रिवीजन हो जाएगा, वहां पर आपका साइंस का, सामाजिक विज्ञान का, हिंदी का, संस्कृत का, सभी विषय का जो है ना आपका लाइव जो है ना टेलीग्राम पर क्विज चलता है, तो आप सभी वहां पर क्विज दे सकते हैं। डेली 20 क्वेश्चनों का होता है, ठीक है। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, नीचे आपको लिंक दे देंगे। और बैक बात, इससे पहले जितना वीडियो आपका, यह हमारा पार्ट जो है ना 8 है, इससे पहले पार्ट 7 तक आपका वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं, तो सारा वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा अथवा आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए जी क्लास करते हैं स्टार्ट। अब देखिए सवाल यहाँ पे क्या है, उदाहरण आपका जो है ना एक है कि रशीद को जन्मदिन के उपहार के दिन एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था, ठीक है। वह इस पर अपने मोमिया रंगों से रंग करना चाहता है, यानी कि रशीद कोई व्यक्ति है, उसको जन्मदिन पर उसको जो है ना उसका जब बर्थडे हो रहा था तो उसको एक लट्टू मिला गिफ्ट के रूप में। क्या मिला, लट्टू मिला, और बेचारा चाहता है कि लट्टू पे हम रंग करें, ठीक है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला आरोपित है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर है, तो उसके द्वारा रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए ये रहा हमारा लट्टू, रहा उतना अच्छा तो लट्टू नहीं है, लेकिन फिर भी मान लिया लट्टू है। और ये रहा इसका व्यास, रह गया ए त्रिज्या है, और लट्टू की पूरी ऊंचाई जो यहां से यहां तक है, देखिएगा ध्यान से, वह 5 सेंटीमीटर है। ये ऊंचाई कितना है, टोटल 5 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या भी दिया गया है आपका, और ये वाला होगा लट्टू का जो है ना ऊंचाई हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा त्रिज्या की ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए लट्टू का व्यास 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसलिए लट्टू का त्रिज्या कितना हो जाएगा, 3.5 बटे हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। चाहे तो इसको भगा भी लगा सकते हैं, ठीक है, और नहीं भी लगा तो चलेगा। चलिए इसको हटाइए देते हैं, 5 × 20 = 5 × 70 = 35, तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 7/4 हो जाएगा, या क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। अब देखिए लट्टू का पूरा ऊंचाई जो दिया गया 5 सेंटीमीटर, और त्रिज्या देखिए, त्रिज्या इवला त्रिज्या कितना है, त्रिज्या 7/4। यदि हम पूरे 5 में से यदि हम इवला हिस्सा घटा दें 7/4, तो हमारा इवला हिस्सा बचेगा ना, यानी कि शंक्वाकार भाग का ऊंचाई हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए जी, लट्टू है ना, लट्टू की संपूर्ण ऊंचाई, लट्टू का पूरा ऊंचाई दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो इसलिए निकाल लेते हैं शंक्वाकार भाग का, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई जिसे हम लोग एच कहते हैं, ठीक है ना। पूरे का पूरे 5 है, अब 5 में से 7/4 को कर देंगे माइनस, लघुत्तम आ जाएगा 4 × 5 = 20, माइनस हो जाएगा 7, हो जाएगा कितना, घटेगा तो 13/4 हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब देखिए पेंट करेगा, यानी कि रशीद जो लड़का है जिसको जन्मदिन पर जो है गिफ्ट मिला है लट्टू के रूप में, ठीक है ना, तो वह जो पेंट करेगा तो लट्टू के बाहरी बाहरी हिस्सा में पेंट करेगा, क्योंकि अंदर तो ठोस है, तो लट्टू के बाहरी का मतलब हुआ कि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, तो यानी क्या करना पड़ेगा, अर्धगोला का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल में शंकु का जो है ना वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, तो शंकु का वक्र क्या होता है, पाई आर एल होता है, तो हमारे पास तो एल मालूम है नहीं, तो क्या करते हैं, सबसे पहले एल निकाल लेते हैं, तो एल बराबर होता है एच का स्क्वायर प्लस होता है आर का स्क्वायर। एच कितना निकला हुआ था, एच का मान आया था ऊंचाई 13/4,
13 बट्टे 4 इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस त्रिज्या जो था 7 बट्टे 4 था। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 7 बट्टे 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका हो जाएगा 169 हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 16 प्लस 49, 4 चौके 16 हो जाएगा, लघुत्तम तो हो जाएगा 16, तो 9 9 18 10 11 1 1 2 218 हो जाएगा। अब देखिए इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा, लेकिन जो है ना किताब में आपका दिया गया है इसका वर्गमूल जो है ना 3.7 सेंटीमीटर, लेकिन यह आपका लगभग मान बताया गया है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा लगभग, क्योंकि इसका देखिए 16 का वर्गमूल 4 तो परफेक्ट निकल जाता है, लेकिन आपका जो 218 है इसका परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए पूरा भाग दे के जो है ना 218 बटे 16 का जो पूरा मान बताया गया है एग्जाम्पल में 3.7 सेंटीमीटर बताया गया है। अब निकाल लेते हैं, लट्टू है ना, लट्टू के रंग वाले भाग का क्षेत्रफल, यानी उस भाग का क्षेत्रफल जिसपे लट्टू का कलर क्या आ जाएगा, रंग क्या आ जाएगा, वही लिख दें कि लट्टू के रंग वाले भाग का क्षेत्रफल। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, अर्धगोला का क्षेत्रफल में से अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल में जोड़ देंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे, ठीक है। तो अर्धगोला होता है 2πr² प्लस शंकु का वक्र होता है πrl, क्या होता है πrl होता है, इसमें कॉमन आ जाएगा हमारा पाई और r बचेगा 2r प्लस यहां एक बचा l, पाई का मान 3.14 दिया गया है और r का मान देखिए r का मान कितना था 7/4 7/4 2 × 7/4 प्लस l का मान कितना निकला हुआ था, हाँ 3.7 3.7 निकला हुआ था। चलिए कट रहा है कटा दीजिए, देखिए 2 2 4 और 2 1 2 2 5 10 2 7 14 इसको काट दीजिए, 2 3 6 2 5 10 1.57 गुना 3.5। चलिए यहाँ पे 2 2 4 और 2 से काटेंगे तो 3.5 हो जाएगा, तो 3.5 प्लस 3.7 तो इसको गुना करना पड़ेगा, गुना कर देते इसको, चलिए 3.157 गुना 3.5 7 5 35 बचा 3 5 25 3 हो जाएगा 28 5 2 7 हो जाएगा 7 21 बचा 2 5 3 15 2 17 3 1 4 तो 5 8 1 9 7 7 14 4 1 5 कितना आ गया, गुना करने पर हो गया 54 95 दो अंक, इधर से एक अंक इधर से दो अंक हो जाएगा 3 अंक के बाद दशमलव, अब गुना यहाँ जोड़ेंगे तो 7 5 12 2 3 3 6 1 7 अब इसको भी गुना करना पड़ेगा, यानी कि इसमें जो है ना गुना करना पड़ेगा 72 से 2 5 10 18 1 19 हो जाएगा 4 2 8 1 9 हो जाएगा 2 5 10 हो जाएगा, चलिए 7 5 हो जाएगा 35 बजाय कितना 3 9 63 और 3 66 हो जाएगा 7 4 28 28 2 30 4 34 7 5 35 3 38 0 हो गया 9 5 14 हो जाएगा 9 6 15 1 16 हो जाएगा 4 1 5 हो जाएगा 8 1 9 3। चलिए गुना करने पर इसको जब गुना किए कितना गया 3 9 5 6 4 0 उसके बाद देखिए ध्यान से इधर से एक अंक इधर से तीन अंक हो जाएगा 4 अंक के बाद दशमलव यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ऐसे दशमलव के बाद जीरो नहीं लिखा जाता, कोई दिक्कत नहीं, लिख भी दिए तो चले जी, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करेंगे कि आप सभी को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सवाल है, ठीक है, कुछ उदाहरण हमारा 2 है, 2 में है क्या इस आकृति को देखिए ध्यान से, बोलते हैं सजावट के लिए प्रयोग होने वाला ब्लॉक 2 ठोसों से मिलकर बना हुआ है, यह जो है ना 2 ठोस से मिलकर बना हुआ है, एक इसमें हमारा क्या है, एक तो हमारा घन है, दूसरा हमारा क्या है अर्धगोला है,
बोलता है एक घन है और दूसरा अर्धगोला है, इस ब्लॉक का आधार 5 cm कोर वाला मतलब किनारा वाला एक घन है, इसका जो किनारा दिया गया है वह दिया गया 5 cm। तो सब कितना हो जाएगा भाई, 5 cm हो जाएगा। सभी को पता है कि घन का जो किनारा होता है सब आपस में समान होता है, बराबर होता है, ठीक है। और उसके ऊपर लगे अर्धगोले का व्यास 4.2 है। अच्छा, अर्धगोला का जो व्यास है यह 4.2 cm है, ठीक है। तो इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए जी, जो सब दिया है लिखना है। घनाकार ब्लॉक है, घनाकार ब्लॉक की भुजा, घनाकार ब्लॉक की भुजा है 5 cm। उसके बाद अर्धगोले का क्या दिया है, व्यास। अर्धगोले का व्यास दिया गया है 4.2 cm, तो इसलिए त्रिज्या कितना हो जाएगा इसका, आधा हो जाएगा, 2 × 4 = 2 = 2.1 cm हो जाएगा। अब निकाल लेते हैं कि मतलब कितना इसका क्षेत्रफल है, पूरा संपूर्ण निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए, ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखिए पहले क्या घन है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में जोड़ देंगे अर्धगोला का, होता है 2πr², लेकिन इसमें माइनस करना पड़ेगा ये वाला हिस्सा, क्योंकि 6 गोल लिखे यहाँ पे, तो मतलब ये वाला भी फलक आ गया, अर्धगोला में ये भी आ गया, ये दो बार आ गया, इसको कर देंगे माइनस, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr². तो 6a² + यहाँ पे 2πr² में घटेगा, 1πr², तो बचेगा 1πr². चलिए अब क्या करेंगे, इसका मान बैठाना है। 6 × a² a का मान कितना था, a 5 था, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर, मतलब 5 × 5। अब प्लस πr², π का मान तो 22/7 r², तो r का मान कितना था, 2.1 था, तो 2.1 × 2.1। चलिए 25 हो जाएगा 150 हो जाएगा, प्लस कट रहा है क्या, 7 × 7 = 7 हो जाएगा 21। चलिए आपका हो जाएगा 22 हो जाएगा 66 × 2.1, 150 प्लस अब 66 गुना करना पड़ेगा 21। चलिए कितना हो जाएगा, 6, 8, 3, 1 दो के बाद हो जाएगा 10, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 3 या 86, वैसे रहेगा 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए जी, क्या हो गया, यह आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को दोनों सवाल समझ में आ गया होगा और यह सवाल आपका एग्जाम में आता है, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और नीचे आपका टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो आप सभी एक बार जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, और डेली शाम में आप सभी 20 क्वेश्चन का अपना रिविजन करवाए कीजिएगा, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आप जो है ना, अगर अभी से रिविजन करेंगे तो आपके लिए सब चीज आसान रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।